हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसी के हमारे वीडियोस में हम पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स ये वाले कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 264 से लेकर 300A तक होते हैं। आपको इसका नोट्स चाहिए तो FB पेज है, fb.me/पद्मिनी क्लासेस, उसमें से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 272 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया और आर्टिकल 273 आज करना है। देखते हैं ये क्या है। इट्स अबाउट ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ मतलब इन एक्सचेंज ऑफ, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती हैं स्टेट्स के ऊपर, अगर जूट और जूट प्रोडक्ट्स कुछ भी एक्सपोर्ट करें तो ऐसा कोई बैकवर्ड जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ठीक डेवलपिंग स्टेट्स बोले, तो उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। इसलिए एक तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी लेगी अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, और दूसरी तरफ से उसके बदले में ग्रांट्स दे देगी इक्वल अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उन स्टेट्स को दे देगी। उसके बारे में है ये, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर शैल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन ईच ईयर एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, ओरिसा एंड वेस्ट बंगाल इन ल्यू ऑफ assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty of jute and jute products to those states such sums as may be prescribed. तो पहले ही prescribe किया होता है, कर लेते हैं, parliament by law कर लेगी कितना देना है। तो export duty government of India डाल रही है तो load ना पड़े इन states, इन चार states पे, क्योंकि tribal areas होते हैं, वही लोग बनाते हैं jute और jute products, तो उनके development के लिए बदले में एक्सपोर्ट ड्यूटी के बदले में ग्रांट्स इन एड दे देगी। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पॉसिबल क्वेश्चंस, कैन वी से दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी दैट द फोर स्टेट्स असम, बिहार एंड ओरिसा एंड वेस्ट बंगाल हैव टू बेयर ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स इज कंपनसेटेड बाई यूनियन गवर्नमेंट एज ग्रांट्स इन एड। तो कंपनसेट कर रही है, तो आंसर यस है। तो सेकेंड पॉइंट, द सम्स सो प्रिस्क्राइब्ड शैल कंटिन्यू टू बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सो लॉन्ग एज एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट और जूट प्रोडक्ट्स कंटिन्यूज टू बी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब, ये तो वन टाइम ग्रांट नहीं है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक कंटिन्यू होता रहेगा? जब तक एक्सपोर्ट ड्यूटी ना डाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में जो भी पहले होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या 10 ईयर्स हो गया, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो खत्म नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चन, स्टिल व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स सच कंपेंसेशन टू दीज स्टेट्स टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू लेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी और 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। Third, in this article, the expression prescribed has the same meaning as in article 270. तो previous video में हमने देखा prescribed मतलब अगर finance commission form करने से पहले, constitute करने से पहले है तो president by order, president के order से हो जाएगा, और finance commission अगर constitute हो गया, हो ही गया वैसा, उसके बाद president का order उस finance commission का recommendation के साथ होगा, recommendation के बाद ही होगा। ये बात है prescribed मतलब, तो ये इस article में भी prescribed का meaning वही है कह रहे हैं। तो next article देखते हैं, article 274। तो इसमें क्या है, it's about prior recommendation of president required to bills affecting taxation in which states are interested। तो टैक्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स डालेंगे या पहले का टैक्स कम कर रहे हैं, जो फंड्स देना कम हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स, टैक्सेशन के मैटर्स पे अगर स्टेट्स को डिसएडवांटेज हो रहा है, इस तरह का डिसएडवांटेज हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसके लिए ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए चाहिए, ये बोल रही है आर्टिकल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, नो बिल और अमेंडमेंट विच इम्पोजेस और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड और विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम एज डिफाइंड विद फॉर द पर्पसेस ऑफ द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स
और विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मनीज आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स और विच इम्पोजेस एनी सच सर चार्ज फॉर द पर्पसेस ऑफ द यूनियन एज इज मैंशनड इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ डिटेल किया गया है, जितना कर सकते हैं उतना. ऐसे बिल्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हैं या मनी का मतलब भी चेंज कर रहे हैं या कोई सरचार्ज डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, इस तरह का जो भी कर रहे हैं जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट है, उस बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए. तो पॉसिबल क्वेश्चन. तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये वाला आर्टिकल क्यों बता रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से मनमानी से कुछ ना करें, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब कुछ सोच के ही यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट इनकेस कुछ सोचा नहीं स्टेट्स के वेलफेयर के बारे में और इंट्रोड्यूस कर रही है तो प्रेसिडेंट सोचेंगे. तो पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट नो बिल और अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन दैट मे बी एट अ डिसएडवांटेज टू स्टेट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. नो बिल बोला तो यहाँ कैन आना चाहिए, नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ऐसे बिल्स पार्लियामेंट में जिसमें टैक्सेशन के बारे में कुछ डिसएडवांटेज हो जाए या स्टेट्स का कोई भी इंटरेस्ट हो उसमें. तो आंसर है यस. तो उसमें सेकेंड पॉइंट, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, यहाँ बताया ना टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, इसका मीनिंग बता रहे हैं. मीन्स ये टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स वेयर आर असाइन टू एनी स्टेट्स, स्टेट्स को देने वाले अमाउंट में कोई चेंज हो जाए. ए टैक्स और ड्यूटी बाई रेफरेंस टू द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ सम्स आर, यहाँ भी सम्स होगा, where of sums are for the time being payable out of the consolidated fund of India to any state. Consolidated fund of India से कोई भी amount दे रहे हैं state को तो उसमें कोई problem हो रहा है, कुछ कम पड़ रहा है, जो भी इस तरह से इस tax or duty in which states are interested, इसका meaning बताया है इसमें. मेनली बात यही है कि स्टेट्स के डिसएडवांटेज में कुछ कर रहे हैं या स्टेट्स के इंटरेस्ट मैटर में कुछ कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए. किसके लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 275, इट्स अबाउट ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स. तो सारे स्टेट्स को नहीं, कुछ ग्रांट्स दे रहे हैं कुछ स्टेट्स को. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बैकवर्ड है या कुछ और बात है या कुछ और बात है उसके लिए. तो फर्स्ट पॉइंट, सच सम्स एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड शैल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन ईच ईयर एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ सच स्टेट्स एज पार्लियामेंट मे डिटरमिन टू बी इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड डिफरेंट सम्स मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स. तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अमाउंट दे सकती हैं. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही विदड्रॉ होगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कि सो एंड सो स्टेट में ये वाले प्रॉब्लम है या ये वाला डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ ट्राइबल एरिया है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है यहाँ, उस चीज़ के लिए हम ये वाला ग्रांट दे रहे हैं. तो क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे तो सारे स्टेट से टैक्सेशन से ही आता है, तो अलग अलग तरीके से आते हैं, तो इस तरह से कुछ स्टेट्स को डेवलप, जो ज़्यादा पीछे है तो थोड़ा आगे आने के लिए या बराबरी होने के लिए बाकी स्टेट्स से ऐसे स्पेशल असिस्टेंट्स देगी. कौन? यूनियन गवर्नमेंट. तो पॉसिबल क्वेश्चन, हु मेक्स लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स? पार्लियामेंट बाय लॉ. सेकंड, कैन वी से दैट ग्रांट्स इन एड इज ओनली नीड बेस्ड एंड अमाउंट मे डिफर फॉर डिफरेंट स्टेट्स? बिल्कुल सही है. तो ये जब जरूरत है, जरूरत के बेसिस पे ही दिया जाएगा और अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अमाउंट दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स. सपोज ट्राइबल एरिया को डेवलप, ट्राइबल पीपल को या ट्राइबल एरियाज को डेवलप करना है तो एक स्टेट में कम होगा ट्राइबल एरिया और दूसरे स्टेट में ज़्यादा होगा, तो इस स्टेट का कम मिलेगा उस स्टेट को ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली. तो कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज सच कैपिटल एंड रिकरिंग सम्स एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल दैट स्टेट टू मीट द कॉस्ट. रिकरिंग बोल रहे हैं, रिकरिंग वाला इंपॉर्टेंट है. ये ग्रांट्स इन एड जो है,
ये वन टाइम ग्रांट नहीं है, ये कंटिन्यू होता रहेगा, रिकर करता रहेगा। एक बार दिया फिर उसी बात को जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, ट्राइबल एरियाज को फुल डेवलपमेंट ना हो जाए, देती रहेगी। तो टू एनेबल दैट स्टेट टू मीट द कॉस्ट ऑफ सच स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एज मे बी अंडरटेकन बाय द स्टेट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं स्टेट्स का, उस डेवलपमेंटल स्कीम्स को आगे करने के लिए, उसके कॉस्ट मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स दे रही है। और लेकिन ये ग्रांट्स इन एड का कंडीशन ये है कि उस स्कीम्स का पहले अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना है, या बाद में भी लेना है लेकिन अप्रूवल होना जरूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दैट स्टेट और रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज देयर इन टू दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दैट स्टेट। तो एक ही स्टेट में कुछ एरियाज ट्राइबल एरियाज होंगे तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, या कुछ एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन पीछे होगा, बैकवर्ड होगा, तो उसको बाकी उसी स्टेट के बाकी एरियाज के बराबर लाने के लिए, इस तरह से कोई भी स्कीम्स हैं डेवलपमेंटल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ग्रांट्स इन एड सैंक्शन करेगी। तो पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट ग्रांट्स इन एड इज़ नॉट ए वन टाइम ग्रांट बट इज़ रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो बार बार होगा। तो आंसर है यस। टू, कैन वी से दैट ग्रांट्स इन एड इज़ ग्रांटेड ओनली टू दोज डेवलपमेंटल स्कीम्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स। तो अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है, उसके बाद ही ग्रांट्स इन एड मिलेगा। तो आंसर है यस, एक कंडीशन है। बाकी पहले तो ये बता रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स को, डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट सम्स मिलेगा यहाँ। अब आगे पूरा आसाम के बारे में है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट देर शैल बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम सम्स कैपिटल एंड रिकरिंग इक्विवेलेंट टू आसाम स्टेट के स्टेट में किस लिए मिलता है, यहाँ डिटेल में बताया। ए, द एवरेज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यूज ड्यूरिंग द 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द टेबल अपेंडेड मतलब एडेड टू पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल। इस 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के बारे में डिटेल्स हैं। तो वहाँ के एरियाज के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। एवरेज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया रेवेन्यूज़ का, तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 2 साल पहले से जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो सब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स इन एड करके दे देगी, दे दिया ही होगा। बी, द कॉस्ट ऑफ सच स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एज मे बी अंडरटेकन बाय दैट स्टेट मतलब आसाम विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरियाज टू दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टेट। ये प्रीवियस बात ही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, बैकवर्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसी स्टेट के आगे जो फॉरवर्ड है, जो डेवलप्ड हैं, उन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बराबर होने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स इन एड दे रही है। 2 चीज़ों के लिए दे रही है, एक ट्राइबल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने, कॉस्ट मीट करने के लिए, दूसरा बैकवर्ड एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड एरियाज़ उसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से बराबर करने के लिए। ये सब आसाम स्टेट के बारे में है। तो पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस ग्रांट इन एड टू डेवलप द ट्राइबल एरियाज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो बिल्कुल सही है। 275 का, आर्टिकल 275 का ही हमने अभी फर्स्ट पॉइंट देखा। तो ये फर्स्ट ए, 1A है। तो ये देखते हैं क्या है। ऑन एंड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244A, ये भी असम का ही बात है। आर्टिकल 244A में, आपको एक बार प्रीवियस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, 244A में असम स्टेट के अंदर के ट्राइबल एरियाज को मिला के ऑटोनोमस स्टेट अगर बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, वहाँ का CM होगा या वो यूनियन टेरिटरी होगा, क्या होगा, उसके बारे में डिटेल्स हैं इसमें। मतलब ये वाली आर्टिकल में, 1A में ये बोल रहा है कि इन केस ऑटोनोमस स्टेट अगर बन जाता है असम में, तब ये ग्रांट्स इन एड का क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, एनी सम्स पेएबल अंडर क्लॉज ए ऑफ द सेकेंड प्रोविजो टू क्लॉज 1 शेल। तो ये तो 244A के क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। तो बात तो वही है। तो स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी स्टेट लिस्ट में के आइटम्स हैं, उस आइटम्स का जो फंड्स जो हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैसे मिलते हैं अगर ऑटोनोमस स्टेट असम के अंदर बन जाता है, तो उसके बारे में है इसमें। तो इफ़ द ऑटोनोमस स्टेट कंप्रेजेस ऑल द ट्राइबल एरियाज रिफर्ड टू देर इन बी पेड टू द ऑटोनोमस स्टेट, तो सारे अगर स्टेट असम के अंदर सारे के सारे ट्राइबल एरियाज को मिला के अगर ऑटोनोमस स्टेट बन जाता है तो ग्रांट्स इन एड तो उस ऑटोनोमस स्टेट को मिल जाएगा। क्योंकि बात तो ऑटोनोमस असम के बारे में हो रही है, असम के ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, तो सारे ट्राइबल एरियाज़ का एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाएगा असम के अंदर ही, उस ऑटोनोमस स्टेट को डायरेक्टली मिल जाएगा। इनकेस ऑल सारे ट्राइबल एरियाज़ मिला के ऑटोनोमस स्टेट बनाते हैं तो, अगर एंड इफ़ द ऑटोनोमस स्टेट कंप्रेजेस ओनली सम ऑफ दोज ट्राइबल एरियाज़, तो असम के कुछ ट्राइबल एरियाज़ को मिला के एक ऑटोनोमस स्टेट अगर बनाए तब क्या होगा, ग्रांट्स इन एड बी अपोर्शन बिटवीन द स्टेट ऑफ असम एंड द ऑटोनोमस स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर स्पेसिफाई। तो पूरे ट्राइबल एरियाज़ को मिला के ऑटोनोमस स्टेट बनाया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स इन एड डायरेक्टली उसको दे देगी उस ऑटोनोमस स्टेट को। अगर थोड़े कुछ ट्राइबल एरियाज़ को मिला के ऑटोनोमस स्टेट बनाया तो असम स्टेट को और उस ऑटोनोमस स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से स्पेसिफाई हो जाएगा। पॉसिबल क्वेश्चन, इफ द ऑटोनोमस स्टेट कंप्रेजेस ऑफ ऑल द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, टू होम डज द ग्रांट्स इन एड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोज, टू दैट ऑटोनोमस स्टेट। इफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्रेजेस ऑफ ओनली सम ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, टू होम डज द ग्रांट्स इन एड गो, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन असम एंड ऑटोनोमस स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देर शेल बी, ये भी इसी ऑटोनोमस स्टेट के बारे में है, देर शेल बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज of the autonomous state sums capital recurring equivalent to the cost of such schemes of development as may be undertaken by the autonomous state with the approval of government of India for the purpose of raising the level of administration of that state to that of the administration of the rest of the state of Assam। ये वाले paragraph बार बार repeat हो रही है, ये वहाँ के backward areas के administration और tribal areas के development के बारे में है, और grants in aid कैसे मिलता है वहाँ, तो बाकी फॉरवर्ड एरिया के बराबरी लाने के लिए ग्रांट्स इन एड भी मिलता है ये बता रहे हैं उस ऑटोनोमस स्टेट का भी। पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट टू प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर द प्रपोज डेवलपमेंटल स्कीम्स, तो यह जहाँ जहाँ ये डेवलपमेंटल स्कीम्स के लिए ग्रांट्स इन एड हो रही है, ग्रांट्स इन एड वर्ड आ गया, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल जरूरी है उस स्टेट के या डेवलपमेंट के डेवलपमेंटल स्कीम्स आगे करने के लिए। तो अपने मन से कोई स्कीम बनाया डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल एरिया के लिए विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ग्रांट्स इन एड तब नहीं मिलेगा, पहले ले ले या बाद में ले ले, लेना तो जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट, अंटिल प्रोविजन इज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर क्लॉज वन, तो इस क्लॉज वन में बताया कि इस तरह से ग्रांट्स इन एड आने के लिए पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, तो प्रोविजन पार्लियामेंट बनाएगी। अब बनाने से पहले क्या होगा यहाँ बता रहे हैं, अंटिल प्रोविजन इज मेड बाई पार्लियामेंट अंडर क्लॉज वन द पावर्स कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट अंडर दैट क्लॉज शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर दिस क्लॉज शैल हैव एफेक्ट सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन सो मेड बाय पार्लियामेंट। ये कुछ नहीं है, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से ग्रांट्स इन एड मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक ग्रांट्स इन एड नहीं मिलेगा, रुकेगा नहीं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से मिलता रहेगा। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स, बाद में अगर लॉ बनेगी तो या दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबल क्वेश्चन, टिल द प्रोविजन्स आर मेड बाई पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्रांट्स इन एड दे आर ग्रांटेड एज पर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर ए फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस क्लॉज by the president except after considering the recommendations of the finance commission। ये भी बार बार आ रही है, president के order से होगा जब तक parliament law नहीं बनाएगी, president के order अगर finance commission बनाने के बाद है तो finance commission के recommendation से होगा। previous questions देखते हैं, what is integrated GST, इसको IGST भी कहते हैं, कौन सा टैक्स है, ये टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या टैक्स इम्पोज ऑन वैल्यू एडिशंस टू एक्सपोर्ट्स हैं, या टैक्स इम्पोज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड हैं, या टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड हैं। तो हम जानते ही हैं इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में है,
तो सेकंड, जीएसटी विल बी लेवीड ऑन, जीएसटी किसके ऊपर डालते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या रिटेलर्स के ऊपर या कंज्यूमर्स के ऊपर, सबके ऊपर डालते हैं। तो एस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क है, एक आर्टिकल बताया मैंने कि जुलाई दिसंबर के क्वार्टर में अरुण जेटली जी कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, कि हमने 28,938 करोड़ दे दिया जीएसटी के कंपनसेशन में स्टेट्स को। तो मैंने पूछा कि कौन से स्टेट को ज़्यादा मिला, कर्नाटका को ज़्यादा मिला। तो आज का होमवर्क है, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। तो कोई आदमी का नाम मत बताइएगा, पोस्ट का नाम, पोस्ट बताइए, कौन से पोस्ट हमेशा होते हैं चेयरमैन। ठीक है, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।